तो भाई यार, अभी पिछली वीडियोस में हम एक बहुत बड़ा राजा था नॉर्वे के नॉर्थ की साइड का। उसने हमारे जो लड़ाई थी 70 साल पुरानी बात, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करा था, और फिर उसने हमारे वो वाला मामला तो सॉल्व कर दिया, लेकिन एक नया मामला शुरू कर दिया, और उसकी वजह से ही हमें अपनी मदरलैंड भी छोड़नी पड़ी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो चाहता था कि पूरा नॉर्वे जो है वो यूनाइटेड रहे, मिलकर रहे पूरा का पूरा नॉर्वे, और हम बाकी जो कंट्रीज हैं, जो दूसरी टेरिटरीज हैं, जैसे इंग्लैंड और अपना इजिप्ट, इन सब पे अटैक करें। लेकिन भाई, हमारे सीगर्ट भैया मना कर रहे थे इस चीज़ को। भाई, ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था कि मतलब हम दूसरी नई नई जगह को कैप्चर करेंगे, लेकिन टेंशन यहाँ पे आई कि भाई इसमें अपना भी काफ़ी कुछ ज़्यादा था। अब क्या था, जैसे अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो सीगर्ट था वो नॉर्वे का फ्यूचर किंग होता, तो मतलब उसके कंट्रोल में पूरा अपना जो रीवन क्लैन था वो रहता, नॉर्वे तो नहीं लेकिन हाँ पूरा रीवन क्लैन, और उसकी जो आसपास की मतलब उसके जितनी भी अंतर जगह उसके अंतर्गत आती थी वो सब रहती। लेकिन अगर जैसे ये वाला आइडिया सक्सेसफुल हो जाता, इस पर सब एग्री कर जाते, कई सारे राजा करे भी थे खैर इस पर एग्री, और कई सारे राजा चले भी गए थे दूसरी टेरिटरीज पर अटैक करने। उसने जो बड़ा वाला राजा था उसने हमारे से भी कहा था कि तुम भी चले जाओ दूसरी टेरिटरीज पर हमला करने और तुम मेरे लिए लड़ो, लेकिन भाई हमने कहा कि हमारी किस्मत तो भैया हमारे भाई के साथ बनती है, जहाँ हमारा भाई जाएगा वहाँ हम जाएंगे। सीगर्ट भैया इस बात पर बिल्कुल नाराज हो गया था, खैर हमारा राजा तो मान भी गया था, लेकिन सीगर्ट भैया को तो कतई गुस्सा आ गया था इस बात पे कि जो चीज़ मेरी है वो तुम किसी को कैसे दे सकते हो। कि भाई उससे क्या होता, जो हमारे रेवंस क्लैन का इलाका था ना, जितनी भी लैंड हमारे कब्जे में थी उस पे डायरेक्ट कंट्रोल तो हमारा होता, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल उस राजा का होता। तो मतलब मान लो अगर कुछ ऐसी बात होती जिस पे मतलब हम और वो राजा एग्री नहीं करते, तो हमें फिर भी उस राजा की बात माननी पड़ती, वो राजा जो चाहे वो करवा सकता है हमसे। हमने सोचा कि भैया अब तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी, कहीं नई जगह जाना पड़ेगा। अब नई जगह सबसे पास की जगह इंग्लैंड पड़ रही थी, वहाँ पे ऐसा था मतलब हमें चाहते थे किसी खाली जगह जाएं जहाँ पे कोई ना हो अभी तक, जिससे कि हम आसानी से अपनी टेरिटरी बना सकें। नहीं तो यार किसी मान लो अगर कोई नॉर्वे में आने लगता और हमारी जगह कब जाना सोचता, तो ऐसे थोड़ी था, इतना आसान थोड़ी था उसे कब जाना। तो इसलिए हम किसी चाहते थे किसी नई जगह पे जाएं। नई जगह में हमारे सबसे पहले आइडिया आया इंग्लैंड का, वहाँ पे कोई नहीं था अभी तक, बस 8 महीने पहले कोई दूसरे बंदे गए थे, वो पता नहीं कौन थे, लेकिन हाँ कोई दूसरे बंदे गए थे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 महीने हुए हैं, तो इतने ज़्यादा ताकत तो हुए नहीं वहाँ जाके, तो वो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रह जाता। लेकिन भाई हमारे पास एक और समस्या थी कि भाई अगर खाली जगह पर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले, काफ़ी सारे रिसोर्सेज माइन करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा समस्या रहने वाली है इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि चलो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले चलते हैं। तो हमने क्या करा, जितने भी सामान की वजह थी हमने पूरा पैक करा, बोट में भरा और चलने वाले थे। तभी हमारे भाई जाने से पहले, जस्ट जाने से पहले राजा से बात हुई, तो उसने कहा कि मतलब मेरे पास जो भी था ना, जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी सप्लाईज थी मेरे बेस की, तुम सब कुछ लेके जा रहे हो। सीगर्ट से कहा कि उसने कि तुम यहाँ पे बस अपनी ग्लोरी छोड़ के जा रहे हो, वैसे कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। और हमारे से कहा कि तुम्हें तो भेड़ियों के पास छोड़ देना चाहिए था 17 साल पहले, बचाना नहीं चाहिए था। खैर बचाया तो राजा था नहीं, सीगर्ट ने बचाया था, खैर पता नहीं क्यों कह रहा था वो, लेकिन सीगर्ट ने कहा था कि भाई मेरा बाप फट गया, इसकी बात पर ध्यान मत दो। तो फिर हम चल दिए थे अपने नए सफ़र पे इंग्लैंड की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी हमारा इतना आसान नहीं रहा। इंग्लैंड में भाई हम जैसे ही आए, तो यहाँ तो एक तो इन्होंने जो भी रास्ते थे पानी के रास्ते जो थे वो पूरे ब्लॉक कर रखे थे, एक चैन की रखी थी बहुत मोटी पानी के बीच में, कि अगर किसी की बोट आए तो वो आराम से ना निकल पाए, या तो वो रुक के हमें टैक्स देगी जब हम रास्ता खोलेंगे, नहीं तो भाई उसकी बोट टूट जाएगी पूरी, इतनी मोटी और मजबूत चैन थी वो। खैर हमने थोड़े बहुत बंदों से लड़के उस चैन को हटा दिया था, और हमारे बाकी के बंदे आगे चले गए थे। लेकिन भाई जहाँ पे हमने सोचा कि चलो यहाँ रुकते हैं, बेस बनाते हैं, वहाँ पे कुछ बंदे थे पहले से, तो थोड़े बहुत छोटे मोटे घर वाले, छोटा सा क्लैन बना के रहते थे। हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनके साथ मिलके यहाँ पे रहेंगे, यहाँ के तौर तरीके सीखेंगे, इनसे बातचीत बना लेते हैं अपनी। लेकिन भाई वो तो कतई हरामी निकले भाई साहब, हम मतलब उनसे आराम से तमीज़ से बात करें, वो हमारे से फालतू बोलने लग गए। बस भाई फिर क्या था, लड़ाई होगी, लड़ाई में उनके भाई सारे बंदे पेल पाल दिए। फिर हम इलाका सर्च कर रहे थे कि यहाँ कुछ है तो नहीं, कुछ बात तो नहीं है, तभी हमें भाई दो लोग मिले जो उन्होंने पकड़ रखे थे, वो मर्चेंट्स थे, लेकिन वो टैक्स नहीं देना चाहते थे उन बंदों को, और इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़ रखा था। तो हमने उन्हें भी छुड़वा लिया, और अब वो हमारे यहाँ पे बिज़नेस वगैरह बढ़ाने में मदद करेंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हथियार बनाने वाले और लड़ने वाले तो हम खुद हैं ही, और काफ़ी सारे बंदे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मतलब मर्चेंट टाइप और ट्रेड वेड कर सके हमारे लिए। तो इस चीज़ की मैं थोड़ी समस्या आई थी, खैर वो समस्या वो दो बंदे सोल्व कर देंगे। और अभी चल के देखते हैं, सीगर्ट भैया से बात करते हैं। हमने एक मोनेस्ट्री भी रेड भी की थी। मोनेस्ट्री क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े मतलब ऐसे हैं जहाँ पे खजाने वजाने रखे रहते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से हम अच्छे खासा पैसा मिल जाता है हमें। ये भैया बनने पिछली बार 2 ओडिन के स्टैचू भी यहाँ क्राफ्ट कर दिए थे, तो मतलब अपना सही रहेगा, कृपा रहेगी ओडिन की अपने बेस पे। और एक तो हमें यहाँ पे इनका जो हिडन वंस हैं, अभी असैसिन्स नहीं बने, हिडन वंस जो हैं इनका ब्यूरो सेट करवाना है हाइतम और बेसिन से बात करके। खैर वो तो बाद में करेंगे, पहले सीगर्ट भैया से बात करते हैं, उनका कुछ राज्य काज से जुड़ा जो भी काम होगा।
सीगढ़ से चल के बात करें, सबसे पहले यहाँ से जाना है अंदर। तो भाई अभी अपनी सीगढ़ भैया से बात हुई थी, उन्होंने हमें एक स्पेशल कमरा दिया है और कहा है कि भाई हमने तो मना भी कही थी खैर उस कमरे के लिए कि रहने दो, हमें अभी मतलब ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जैसे सब रेडर्स और वोल्फ के साथ होता है, मतलब जैसा आम बंदों के साथ होता है, हमें भी वैसी ट्रीटमेंट चाहिए, कोई स्पेशल नहीं। लेकिन उन्होंने कही कि नहीं भाई तुम मतलब अपने क्लैन के स्पेशल बंदे हो तो तुम्हें मतलब एक कमरा अलग से मिलेगा और हम दोनों हमेशा की तरह एक साथ मिलकर लीड करेंगे क्लैन को। तो अभी अपने कमरे को देख दाख के इसे सेट वेट करके और हम चलेंगे सीगढ़ भैया से मिलने, घोड़ों के पास मिलने के लिए कहा सीगढ़ ने। तो अभी हम अपना कमरा देख रहे हैं और इसी बीच हमें एक रैनवी का लेटर भी लिखा पाया था, उसमें लिखा था कि अभी हमारे पास क्या क्या सप्लाईज हैं, ब्लैक स्मिथ, हिडन वंस, ब्यूरो, ये सब हैं। और जैसे ही ब्लैक स्मिथ की दुकान बन जाती है, मतलब उसका सेटल हो जाता है ब्लैक स्मिथ अपना, ब्लैक स्मिथ वो बंदा जो कि हथियार हथियार क्राफ्ट करता है, धारवा तेज करे। और ये देखो मैंने कई सारी मॉनेस्ट्रीज भी रेड करी थी तो उसमें मुझे ये भी मिला था, ये मतलब हिडन वंस की शील्ड है, तवा, जैसा कैप्टन अमेरिका का हुआ ऐसे हिडन वंस का है, इसमें लाइट सी जल है, आर्क रिएक्टर की शक्तियों से युक्त। अभी इसके बाद में वैसे हमें हाइटम और बेसिन से मिलने जाना है, हिडन वंस भी उनका सेटअप करवाना है, उससे क्या होगा वो हमें मदद करेंगे यहाँ की ज़्यादातर अलायंस से जीतने में। भाई अभी हमारी सीगरेट से बात हुई थी और वो जा रहा है यहाँ पे और अलायंसेस बनाने, अलायंस मतलब ऐसा बंदों का ग्रुप रूप जो एक साथ में लड़ें, एक साथ में काम करें, जैसे वही बंदा एक बड़ी अलायंस बनाना चाह रहा था, मतलब अपने दोस्त एक तरह से। तो वो तो सीगरेट भाई तो हमारे उस चीज़ के निकल गए, उसने हमें ऐसे भी कही कि जैसे तुम भी मतलब थोड़ा बहुत अलायंस वगैरह बनाने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत रेड करो और जैसे मतलब अपने बेस को बढ़ाओ किसी भी तरह से। और वैसे भी सीगर्ट ने हमें मेन काम दिया है रैनवी से बात करने का कि रैनवी के पास तुम्हारे लिए काफ़ी सारे काम है तो जाके रैनवी से बात करो। तो भाई जैसे कि सीगर्ट ने कहा था कि जाके रैनवी से बात करो, तो हमने बात करी और उसने कहा कि जाके कोई बड़ा अलायंस बनाना है हमें, तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन थे, या तो हम सीगर्ट के पीछे पीछे जाएँ, लेकिन उसे तो सीगर्ट अपने आप अलायंस बना ही लेगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम अलग से काम करें। और एक जगह है ग्रैंड यानी क्या है उसका नाम, स्पेलिंग इतनी उल्टी सीधी है कि इसकी जो बोलता है ना इसके अंदर इसकी जी मेरी दो चार बार मोच आ गई होगी। तो लेकिन वो साउथ वाली टेरिटरी है, तो हम अभी साउथ की तरफ जा रहे हैं और चल के देखते हैं उनकी आर्मी का कोई लीडर वीडर है तो उसकी लास्ट लोकेशन पे पहुंचना है हमें। तो भाई जिस आर्मी लीडर से रैनवी ने हमसे बात करने के लिए कही थी जो कि हमसे अलायंस करने वाला था, वो यार अभी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस समय। तो हुआ क्या था मैं तुम्हें चलते चलते बताऊँ था, यहाँ पे कुछ दिन पहले कोई मतलब पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने अटैक कराया इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वाला, इनकी सारी दीवार सारे सैनिक सब ख़त्म कर दिए, पूरे शहर लूट के ले गए इनका। और वो लोग किसी ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये वही होगा जो असैसिन्स का ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे वो लोग जिनसे हम लड़ते रहते हैं। तो इसने कहा कि भाई तुम किसी भी तरह से जो बंदे हमें लूट के ले गए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पर इतना नुकसान करा है, हमारे लोगों को मारा है, उन्हें तुम किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ, उन्हें मारो, उनके साथ कुछ भी करो, उन्हें पकड़ो, मतलब तुम तो उनसे वहाँ बदला लो। तो हमने कहा ठीक है हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। और अभी हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं, उसने हमें कोई उनकी पॉसिबल लोकेशन बताई है जहाँ पे वो हो सकते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे मिलते हैं नहीं या फिर क्या सीन होता है। खैर आज की वीडियो में इतने बजाय, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।